जो लक्ष्य आएगा इसका पांच मरले का रेट मिनिमम 80 लाख रुपए से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला। इसको इस तरह बात कर लें जैसे हमने प्रिज्म के ऊपर बात की थी कि प्रिज्म का जब नक्शा आया था तो उस टाइम यहाँ पे एफ ब्लॉक में और जी ब्लॉक में पांच मरले का रेट उस टाइम जा रहा था तकरीबन कुछ 53-54 का। उस टाइम भी मैंने आपको ये रेट दिया था कि यहाँ पे प्रिज्म में इसका ये रेट होगा और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जी वन में पांच मरले का रेट 80-85 होगा, स्टार्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास बिलाल अहमद, क्या वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई हैड डीएचए 1 के नाल प्लॉट इज इक्वल टू 16 मरला, प्लीज एक्सप्लेन, जरा वजाहत करते, थैंक्स। जी बिलाल साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं एक कनाल का प्लॉट जो है 16 मरले के बराबर है। पिशावर में पुराना मरला, पिशावर या इस टाइम अब तो इंटरनेशनल एक स्केल बन गया, 225 स्क्वायर फीट का मरला है। पहले चलता था 272 स्क्वायर फीट का मरला। अगर पुराने मरलों में आप जाएंगे तो वो बात आपकी सही है कि उस टाइम के हिसाब से आज का जो एक मरला है वो एक कनाल जो है वो 16 मरला बनता है या 18 मरला बनता है। और अगर आप नए स्क्वायर फीट के हिसाब से आते हैं 225 स्क्वायर फीट का जो मरला है उसके हिसाब से पुराना 16 मरला बनता है और एक 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से ये स्टैंडर्ड सारे डीएचएस में पिशावर है उसमें लाहौर कराची हर जगह एक स्टैंडर्ड साइज दे दिया है 225 स्क्वायर फीट का मरला। तो उसके मुताबिक अगर आप करेंगे तो वो 500 गज का उसका प्लॉट बनता है, 50 फुट फ्रंट 90 फुट डेप्थ इसकी बनती है। तो ये नया स्टैंडर्ड जो है वो ये साइज है आपका। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, बिल्डर का कमेंट है, वो कहते हैं डियर सर नीड डिटेल्स एंड फ्यूचर ऑफ सेक्टर ई। जोहिर सर, ये जो सेक्टर ई है इंशाल्लाह ताला अब ये बड़ी जल्दी ना इसका एच और ई का भी नक्शा आएगा जल्दी, क्योंकि जी वन और जी टू और एफ ब्लॉक का इसका नक्शा आएगा, उसके बाद फिर डीएचए के पास जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो आपका आ जाएगा एच और ई ब्लॉक का। तो ई ब्लॉक का भी फ्यूचर अच्छा है, सेफ फ्यूचर है यहाँ पे। अब डीएचए असल में स्टेप बाय स्टेप जो है डेवलपमेंट कर रहा है, नक्शा लेके आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये भी बेहतर हो जाएगा ई ब्लॉक। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास अफजल हुसैन ऑफिशियल का है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डीएचए का सबसे बड़ा मसला पानी का है, मतलब घर के जो पानी है उसका सिर्फ एक ही पाइप से निकलना। अफजल हुसैन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट को एकदम आप खुद रीड कर लें कि आपने लिखा क्या है, क्योंकि इस कमेंट की हमें समझ नहीं लग रही तो उसका रिप्लाई भी नहीं दे पाएंगे। उसके बाद हमारे पास गुलाम नसूर का कमेंट है, वो कहते हैं अदनान साहब आप वक्तन फवक्तन अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सेक्टर एफ को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, सेक्टर एफ के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सेक्टर एफ का भी इसका नक्शा जल्दी आ जाएगा। जैसे जी वन को अनाउंस किया डीएचए ने अभी, तो इसके साथ आगे जी वन है, जी टू है या इसका एफ ब्लॉक है तो इसको लेके आ जाएं या एफ ब्लॉक को ही जी टू को में मर्ज कर दें, कुछ इस तरह का प्लान डीएचए कर सकता है। और ये मेरा ख्याल है कि नक्शा जो है ये इकट्ठा ही आएगा जी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है उमर का, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ एफ और जी का मैप एक साथ आएगा और प्लीज सेक्टर एफ में 8-5 मरला प्लॉट की प्राइस क्या होगी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है कि एफ ब्लॉक में 5 मरले की प्राइसेस जो है यहाँ पे तकरीबन कोई 80-85 होगी इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड, और 8 मरला इसका स्टार्ट जो है वो तकरीबन 95 लाख और करोड़ से स्टार्ट होगा इसका मिनिमम।
ये इसका 5 मरला और 8 मरले का रेट आएगा एफ ब्लॉक। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास राशिद अली का, वो कहते हैं सेक्टर H1 के साथ जुल्म क्यों हो रहा है। राशिद साहब ये बात मुझे आज तक समझ नहीं लगती कि जिस ब्लॉक का नक्शा थोड़ा सा लेट हो जाए तो वहां के लोग कहते हैं कि जी वहां इस ब्लॉक के साथ जुल्म क्यों हो रहा है। देखिए जुल्म वो होता है कि अगर आपके एच ब्लॉक के प्लॉट सारे कैंसिल कर दिए जाए और आपको उसके बदले में कुछ ना दिया जाए तो जुल्म तो ये है। आप ये देखेंगे एच ब्लॉक में आपने बुक कितने में करवाया था, 28 लाख रुपए में तो आपको प्लॉट दिया DHA ने, 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस दिए, उसके ऊपर अगर आपका आपको तकरीबन कुछ 60 लाख रुपए आपको ओन मिल रहा है जो कुछ आपने पे किया हुआ है, 41-41.5 लाख रुपए आपने टोटल पे किया है, उसके ऊपर भी आपको 60 लाख रुपए आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसके अंदर जुल्म कौन सा है? अगर आप इसे जुल्म समझते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको फिर बेच दें, नहीं तो अगर आपने फुल एंजॉय करना है तो उसके लिए तो आपको सबर करना पड़ेगा। अगर आप अभी मुझे ये प्लॉट देंगे बेचने के लिए तो मैं मार्केट में बेच दूंगा तो जुल्म खत्म हो जाएगा, 28 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड भी आपको आपका वापस मिल जाएगा, 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस भी आपको वापस मिल जाएंगे, तो फिर जुल्म तो ना हुआ, ये आप प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अगर आपने इसका पोजेशन लेना है, घर बनाना है, तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास फरहद।